सुशांत सिंह राजपूत की डिप्रेशन का कारण क्या था? बहुत बड़ी कड़ी मैं आपके सामने जोड़ने जा रही हूँ। सुशांत सिंह राजपूत, उनकी एक लाइन आप पकड़िए, उनको डर लगता था। अनुराग कश्यप की फिल्म देखी और रिया से बोले कि अनुराग कश्यप की फिल्म करने से मना कर दिया है, वो मुझे मार देगा। ये एक लाइन उनकी मनस्थिति का बयान करती कि वो मानसिक स्थिति उनकी कैसे बनी। मैं आपको एक एक कड़ियाँ जोड़ूंगी। करण जौहर की फिल्म ड्राइव उनको ऑफर हुई धर्मा प्रोडक्शन की, जिसके लिए उन्होंने बड़े बड़े बैनर की बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स छोड़ दिए और ड्राइव फिल्म बनी। करण जौहर ने इस फिल्म को थिएटर में रिलीज ना करके नेटफ्लिक्स पर रिलीज करने का फैसला किया और सुशांत सिंह राजपूत को ये बात नहीं बताई गई। जब उनको पता चला, उन्होंने झगड़ा किया, बहस की करण जौहर से, और करण जौहर ने उनके फ़ोन उठाने बंद कर दिए। बहुत ही ज़्यादा मायूस हुए सुशांत सिंह राजपूत। कट टू सेकेंड स्टोरी, यशराज के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट था, यशराज के टैलेंट थे, वो यशराज के बैनर के अंदर की फिल्में करते थे। संजय लीला भंसाली की रामलीला के लिए संजय लीला भंसाली चाहते थे कि सुशांत सिंह राजपूत राम का कैरेक्टर करें, मगर आदित्य चोपड़ा ने मना कर दिया कि वो नहीं कर सकते क्योंकि वो यशराज के टैलेंट है, वो भंसाली प्रोडक्शंस नहीं कर सकते, आप उनको नहीं ले सकते। सुशांत सिंह को चुप रहना पड़ा क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट था यशराज के साथ, आदित्य चोपड़ा के साथ। बाद में वही फिल्म रणबीर सिंह को मिल गई। अब रणबीर सिंह भी यशराज के टैलेंट थे, मगर ये फिल्म उनको मिल गई। चुपचाप छाती पे पत्थर रखकर बैठ गए सुशांत सिंह। उसके बाद बेफिक्रे आने वाली थी, बड़ी फिल्म आदित्य चोपड़ा डायरेक्ट करने वाले थे। बेफिक्रे आई, बेफिक्रे फिल्म सुशांत सिंह राजपूत को ना मिल करके रणबीर सिंह को मिल गई और ये बात जो है सुशांत सिंह राजपूत को बहुत बुरी लगी। उन्होंने आदित्य चोपड़ा, जिन्होंने उनको पहले जब रामलीला नहीं दिलाई थी, करने से मना किया था, तो उन्होंने कहा था बड़ी फिल्म आ रही है दूंगा, बेफिक्रे उठा करके उन्होंने रणबीर सिंह को दे दी। सुशांत ने झगड़ा किया, आदित्य ने उन्हें बैन कर दिया, आदित्य यशराज से उनका, यशराज ने उनको बैन कर दिया। यहाँ पर झगड़ा होता हुआ नजर आया। दूसरी बात मैं बोलूँ, छिछोरे आई और गली बॉय आई एक साथ। छिछोरे फिल्म जो इतनी अच्छी फिल्म थी, उसको नेशनल, उसको अवार्ड के लिए आगे नाम उसका नहीं दिया गया, गली बॉय को दिया गया। ये मुद्दा आज कंगना रनौत ने भी उठाया है। तो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत को बड़े बैनर्स ने बैन कर दिया, एक उनके खिलाफ गैंग बना ली। अगर मैं बात करूं तो करण कमाल खान KRK ने एक ट्वीट किया था फरवरी में, जिसमें उन्होंने लिखा था कि तमाम बड़े बैनर्स धर्मा, साजिद नाडियादवाला, यशराज, टी सीरीज, सलमान खान, दिनेश विजन, बालाजी, सभी ने बैन कर दिया है सुशांत सिंह राजपूत को। ये पूरा मामला ऐसा बना जो 7 में से 6 फिल्में उनकी ले ली गई और वो तमाम इन बड़े बैनर्स की थी और इन लोगों ने मिल करके सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ एक ऐसा हथियार खोल दिया कि सुशांत सिंह राजपूत को डर लगने लगा कि अब कोई नहीं है उनके सामने, उन्हें छोटे प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे, टेलीविजन वो करना नहीं चाहते थे। और यही नहीं, उनकी सोनचरिया फिल्म आने वाली थी तो उन्होंने सबके सामने प्लीड किया कि मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरी फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, अगर नहीं चली फिल्म तो लोग मुझे उठाकर बॉलीवुड से बाहर फेंक देंगे, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। इन शब्दों में दर्द छलका था सुशांत सिंह राजपूत का। उन्होंने बयां कर दिया था कि इंडस्ट्री में जिस तरह से भाई भतीजावाद चल रहा है, उसके चलते उनका कोई गॉडफादर नहीं है, लोगों ने उनके चेहरे पर दरवाजे बंद कर दिए हैं और ये तमाम स्थितियां जो हैं उनके मानसिक दबाव, उनके डिप्रेशन का कारण बनी। और आज यही तमाम लोग जो हैं मातमपुरसी कर रहे हैं, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि काश उस समय हम पहुंचे होते, उस समय सहारा दिया होता, मगर इन्हीं लोगों ने उनके सामने से दरवाजे बंद किए थे। आप क्या कहेंगे इस भाई भतीजावाद, इस ग्रुपिज्म, इस जो ये यहाँ पर एक रैंक चलाते हैं, खेमा चलाते हैं, कैंप चलाते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? और आप क्या कहेंगे सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या, उनकी मानसिक स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहूँगी आपसे चर्चा करके।